माई लवलीज ओप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज हम बात करने वाले हैं प्लम की एक परफ्यूम रेंज से जिसकी रिक्वेस्ट मेरी एक प्यारी सी यूट्यूब फैमिली मेम्बर वो काफ़ी दिन से कह रही थी बट सॉरी फॉर बींग डैट मच लेट और मैं वीडियो बना नहीं पाई और लगभग मैंने परफ्यूम खत्म भी कर दिया तो अच्छे से बता पाऊँगी मैं आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बाद सो प्रजेंटेशन एज इट इज़ जैसी इनकी होती है वैसी ही है जो ट्रायल साइज के आपके आते हैं ट्वेंटी एम एल वाले कुछ इस तरह का कार्टन बॉक्स के साथ ये मुझे मिला था मैंने इसका कार्टन बॉक्स फेंक दिया है पैकेजिंग अच्छी है पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो हवा रुम्बा की थी बट इन्होंने पहले से कम्पेटिवली बॉटल को और स्लीक करा है जैसे ये देखिए इसकी बॉटल है ना ये काफ़ी थोड़ा सा बल साइड पर है है तो ये भी स्लीक कम्पेटिवली इसके ये और भी ज़्यादा स्लीक हो चुकी है तो कुछ चेंजेस किए हैं गोल्डन सा कैप है गोल्डन सी प्रिंटिंग है सब कुछ है और क्योंकि मैंने इसे ट्रायल साइज में बाय किया था इसका रीज़न मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जो है अगर आपको ट्रायल साइज़ में अवेलेबल परफ्यूम मिले तो आप हमेशा ट्रायल साइज़ की तरफ ही जाइए क्योंकि फुल साइज़ बॉटल ख़रीदने के बाद बहुत ज़्यादा जब आपको वो परफ्यूम समझ में नहीं आता है तो डिसअपॉइंटमेंट मिलती है जैसे कि मुझे हुई प्लम के जो न्यू लॉन्च थे स्मोक इन वनीला नहीं सॉरी ट्यूलिप डोंट लाई फ्रेग्रेंस स्टोरी से डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे इसकी परफॉर्मेंस से सो नौ सौ रुपये का परफ्यूम ख़रीदा मैंने आई थिंक फिफ्टी एम एल है ये हाँ ये फिफ्टी एम मैंने ख़रीदा नौ सौ रुपये में मतलब मैं लताफा का कोई अच्छा फ्रेग्रेंस खरीद सकती थी बट मैंने नौ सौ रुपये अपने प्लम में वेस्ट किए जो बिल्कुल टिकता नहीं है तो मुझे यहाँ थोड़ा सा अफसोस हुआ था फिर मैंने इसका ट्रायल साइज बाई किया था और मैं अब आपको बताती हूँ इस परफ्यूम के बारे में तो ये तो हो गई बातें प्लम की रेंज के बारे में और सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे तो ये लगता है जो प्लम के ये फ्रेग्रेंसेज आते हैं फोमो ओ माय गॉड ऐसे ऐसे होने चाहिए ट्रायल साइज देखिए कितने प्यारे हैं ये तो ये सही लगता है मुझे और सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको उसके टॉप में हनी शकल और वुड मिलेगा हार्ट में इसके आपको वनीला और बालसम मिलेगा बेस में आप उसके वाइट मस्क और एम्बर मिलने वाला है और अब मैं फ्रेगनेंस को बताऊँ तो इसमें थोड़ा सा जब मैंने अभी इसको स्प्रे किया है फ्रेगनेंस को तो थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट है मतलब मुझे लगता है आपको भी मिलता है आप मुझे बताइएगा जरूर बट इसमें एल्कोहल ब्लास्ट है जो चीज़ इसमें नहीं मिलती आपको इन दोनों फ्रेग्रेंस में बट इसमें आपको अल्कोहल का ब्लास्ट मिल रहा है थोड़ी सी आपको इसमें स्मोकी वनीला जैसी खुशबू मिलेगी और थोड़ी सी आपको बालसैमिक से नोट मिलेंगे थोड़े वाइट फ्लोरल हिंट मिलते हैं मस्किनस के साइड पे आपको खुशबू मिलेगी इसमें आपको फ्रेशनेस नहीं मिलने वाली है ये एक प्रॉपर मैं जिसे बोल सक एक मीठी सी वनीला बेस एक मस्की और एम्बर सी खुशबू है और इन्होंने मतलब वनीला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो उसको जो है मस्क और वुड के साथ ब्लेंड करा गया है खुशबू अगर मैं समराइज करूं तो ये एक स्मोकी वुडी और वनीले खुशबू है बट अगर आप एक वनीला लवर हैं तो ये जो है वनीला वाली खुशबू नहीं है ये स्मोकी साइड पर है और वुडी खुशबू है इसमें आपको हनी सकल के थोड़े नोट भी मिलेंगे लाइट ब्राइट और वुडी सी खुशबू है परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लगभग एक घंटे का प्रोजेक्शन देती है स्किन पर आपके तीन से चार और कपड़ों पे और लगभग पाँच से घंटे आपके कपड़ों पे रहने वाली खुशबू है तो परफॉर्मेंस से थोड़ा आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे परफॉर्मेंस अच्छी है यूजेस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे विंटर में या समर नाइट में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बहुत हाई हीट वाले मौसम में जो इसमें हनी शक्ल है वुड है और जो मस्क कैंबर है वो आपको इरिटेट कर देगा समर इवनिंग में समर नाइट में और किसी स्पेशल इवेंट में या पार्टीज में कंसीडर कर सकते हैं सो फाइनल थॉट यही है कि ये एक स्मोकी वूडी एम्बरी थोड़ी सी आपकी वैनिलिक सी खुशबू है थोड़ा सा वूड को और एम्बर को मॉडिफाई किया गया वनीला का टच दे के सो so, ओवरऑल अगर आप एक वनीला सोच के से ख़रीद रहे हैं तो इसमें वनीला जैसा आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है ये एक मस्की और वूडी और स्मोकी सी फ्रेग्रेंस है तो so होपफुली आपको रिव्यू अच्छा लगा हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली में सबका ख्याल रखिए टिल देन बाय बाय टेक केयर मिलते हैं अगली वीडियो में